नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो इस्तीफा दिया है उन्हें इसकी वजह बताई जाए। विद्यार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी में भर्ती को लेकर घपलेबाजी हो रही है, जिसकी जाँच होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मांग पत्र देंगे। उन्होंने वाइस चांसलर को भी फिर से बहाल करने की मांग की है। असी यह गेट बंद इस करके किया क्योंकि डॉक्टर जसपाल सिंह जो वाइस चांसलर सन वो अचानक अस्तीफा दे चुके हैं। इसका मकसद साडा मकसद यह कि जिहड़ा यह अस्तीफा दिता गया क्यों दिता गया, क्योंकि पिछले 9 सालों के यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े घपले हुए हैं। वित्तीय घपले भी हुए हैं तो प्रशासनिक तौर पर घपले हुए हैं, तो भर्तियों के भी बहुत बड़े घपले हुए हैं। पैसा चलिया है, श्रेआम चलिया है, लोगों की भर्ती बिना पुछे श्रेआम बिना डिपार्टमेंटा दे विच कोई लोड़ भी नहीं सी, तां भी एक एक जां दो दो जां दस दस बंदे उत्थे भर्ती किए गए हैं। असी मंग यह करते हैं कि वाइस चांसलर साहब की 9 सालों का पिछला रिकॉर्ड चैक किया जाए, एक वधिया अधिकारी तो विजिलेंस जांच करवाई जाए। इस करके अज असी गेट बंद करके यूनिवर्सिटी का इतने प्रदर्शन किया है, तो यह असी कंटिन्यू करते रहेंगे जो तक साढ़े उच्च अधिकारी नहीं सुनते। फरीदकोट से अमृतसर जा रही एक निजी बस ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार हरप्रीत सिंह और उनकी बेटी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस की जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि बस ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। इस हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई, जिन्होंने लोगों को मौके से खदेड़ा। इस दौरान बस चालक के हेल्पर ने बताया कि वह लोग फरीदकोट से अमृतसर की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में बस की टक्कर एक मोटरसाइकिल के साथ हो गई। हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भीड़ में मौजूद कुछ शरारती लोगों ने बस को तोड़फोड़ दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले से जुड़ी जांच की जा रही है। ए भाई, न्यू दीप वाले की गड्डी है, ये बठिंडा तो अंबरसर जा रही थी। एक इहदा नंबर 4048 है, तो एक कलेरी आके इहदा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं होया, मान लो माड़ा जिहा ओवरसाइड हुई सी, तो मंडीर ने आके गड्डी भन्नती पई है। 5 जने सी वीरे, एक गड्डी बस की सवारी सी, 4 मुंडे सी कलेरा दी। हरप्रीत सिंह लड़का सीगा, नाल उहदे कुड़ी सीगी, उह जा रहे सीगे इधरों, ते रोड बन रहा उहदे करके ना सिंगल रोड हो रखा। प्रॉब्लम वैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उहदे करके थोड़ा जिहा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने फस्ट एड करके तो गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज लै गए, तो कुछ शरारती अंसर ने बस से आसे पास ने बस तोड़ती है सारी। देखो, जो भी थोड़ा बंदा सीगा, जो एक्सीडेंट होया तो तुसीं की नाम है जाके रिपोर्ट लिखाओ थाने के एक्सीडेंट के। तरीका थोड़ी कि तुम बस भन दोगे, कोई गुंडा राज थोड़ी है, 20-25 जने आके बस भन गए। ये तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कार्रवाई करांगे जिन्हें जिन्हें जो जो दोषी है। जो एक्सीडेंट का पर्चा तो एक्सीडेंट का भी देवे, जिन्होंने आह तोड़ भन की है, जो गुंडागर्दी की, उन्होंने खिलाफ भी देवे बनती कार्रवाई। कानून थोड़ी हाथ लैन देवे किसी को, कोई गुंडा राज थोड़ी है। अमृतसर के उत्तरी हलके से विजेता कांग्रेस उम्मीदवार सुनील दत्ती को कांग्रेसी कार्यकर्ता दुष्यंत परमार गोल्डी व उनके सहयोगियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सुनील दत्ती को फूलमालाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक सुनील ने आए सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह लोगों की हर समस्या को पहल के आधार पर हल करेंगे। सरकार बनने तो बाद हलका नॉर्थ जितने तो बाद मैं सारे साथियों को मिलना चाह रहा, जिन्होंने मैनू इन्ना भारी समर्थन दे के एक अच्छी फतेह कामयाबी दिलाई है। और मैं एक साथी नाल लैके चलन का जिहड़ा वायदा किया, मैं अज तैयारी कर रहा। इलैक्शन हो चुके ने, रिजल्ट आ चुके ने, हुण अगों इन्हां ने अपना काम कर दिता, अगों साडी ड्यूटी है जिहड़ी निभानी, उह निभाण जा रहे हैं। पंजाब की नई कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में नए बने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने विधानसभा हलका पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हलके में रोड शो कर सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। उनके समर्थन में जुटे लोगों ने कहा कि उन्हें बाजवा से बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन्हें विश्वास है कि वह उनकी हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बाजवा ने भी लोगों को विश्वास दिलवाया कि वह उनकी सभी मुश्किलों को हल करेंगे। माहौल तो तुसा वेखना वै, तो माहौल वधिया वै, तुहानू आप नजर आना चाहिए। अजे इस वेले डिपार्टमेंट दी गल्लां नहीं, लोगों की वधाइया ले लईए, फिर दफ्तर च बह गल्लां करांगा, बड़ा वधिया चलेगा।
बल्लाचौर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से 21वां 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बाबा बलराज स्टेडियम बल्लाचौर में करवाया गया, जिसमें पंजाब के अलग अलग जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक दर्शन लाल मंगू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट में कई बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला गढ़शंकर क्लब और विछोड़ी क्लब के बीच खेला गया, जिसमें गढ़शंकर क्लब की टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान क्लब की ओर से विजेता टीम को 71,000 रुपए की नकदी एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी गिनती में खेल प्रेमी भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स क्लब डीवी स्कूल दे विच 21 बार टूर्नामेंट करा रहे हैं। मोदी प्रधान मेंबर एडा बड़ा इन दे विच उत्साह है कि नौजवान पीढ़ी नूं नशा तो मुक्त करने लई आए साल जिहड़ा टूर्नामेंट कराने हैगे आ। मैं अज कह सकता हाँ कि सब तो वड्डा नौजवान पीढ़ी की सेहत पर आपसी प्यार और भाईचारा रखने लई ये जिहड़ा टूर्नामेंट कराने इहदा सब तो वड्डा फायदा नौजवान पीढ़ी नूं मिलदा। मैं तो इस कमेटी नूं इस प्रधान जी नूं जिन्हें मैंबर साहबान है उन्हां नूं अज दे दिन ते लख लख वधाई दिंदा, जिन्होंने बहुत ही वधिया उपराला करके नौजवान पीढ़ी नूं इक सेध दित्ती है ताकि नौजवान पीढ़ी है नशा तो जिहड़ी है उस पासे ना जा रहे और चंगे काम करन। इस करके मैं फिर लख लख वधाई इस क्लब नूं दिंदा ताकि आए साल जिहड़ा इह वधिया काम करदे रहन। बाकी मेरे लायक भी जिहड़ा भी इह कमेटी के प्रधान जी और मैंबर साहबान कहणगे मैं 24 घंटे इन्हां दे लई हाजिर होऊंगा। जय हिंद। पटियाला के अर्बन एस्टेट फेज 2 इलाके में एक स्कूल बस ने साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान हरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी कि रास्ते में बस ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान घायल व्यक्ति को बस ड्राइवर व उसके सहयोगी ने बस में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसपीडी हरविंदर सिंह विर्क भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मामले से जुड़ी जानकारी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने मामले से जुड़ी कानूनी जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम जसप्रीत सिंह, जिन्हां दी डेथ हुई है मेरे मामा जी ने, यह सवेरे अपना मजदूरी करते ने कम ते जा रहे सीगे ते जिहड़ा अर्बन स्टेट दे कोल पेट्रोल पंप है उत्थे हादसा वापरिया है। ते एक स्कूल जो रायत पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल है उन्हां दी बस सी, साढ़े कोल नंबर भी हैगा उन्हां दा, ते PV11BN0664 ते उही इत्थे छड्ड के गए ने पेशेंट नूं। उन्हां दी इस टाइम डैथ हो चुकी है जी, बहुत इत्थे सीरीयस कंडीशन दे विच आए सीगे ते इस टाइम उन्हां दी डैथ हो चुकी है। तो साड़ी यह सारे परिवारक मैंबरां दी मंग है कि इस ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। एक बच्चे चक्कन की लगा लो जिमें है ना, अगर टाइम से पहुँचने की बहुत काली होंगी है, देखती नहीं है किसी नित आप भी अपने बच्चों का भी नुकसान करते हैं तो जड़े होर राहगीर जाते होंगे उन्होंने भी नुकसान करते हैं। ये बिल्कुल इन्हें शिकंजा कसना चाहिए। रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फेज 2 पटियाला है, उत्ते स्कूल की जी बस हैगी जिन्हों ड्राइवर गुरदीप सिंह चला रहा है, उन्हें किसी व्यक्ति जो हरिंदर सिंह नाम का व्यक्ति से साइकिल के उपर अपने काम कर जा रहा है, उन्होंने पिछों हिट किया जिस दिन उसकी डैथ हो गई है। FIR दर्ज करके जी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।